जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से हम जो भी अरदास करते हैं, गुरु जी उसको पूरा ज़रूर करते हैं। चाहे उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन वो विश पूरी ज़रूर होती है। चाहे वो हमारे लिए नौकरी की हो, चाहे हमारे लिए पैसों के लिए हो, या फिर घर के लिए हो, गुरु जी हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अरदास को हमेशा पूरी करते हैं। इसलिए गुरु जी पर हमेशा विश्वास से ही अरदास करनी चाहिए। वैसे तो हमेशा कहा जाता है, मांगो नहीं मन्नो। एक बार गुरु जी को मान कर देखो, गुरु जी आपके सारे काम खुद बना देंगे। गुरु जी सब जानते हैं कि हमें कब क्या चाहिए या हमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। गुरु जी उस टाइम पे उस चीज़ को पूरा कर देते हैं। तो इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि जो भी उन्होंने गुरु जी से कहा, गुरु जी ने उसको पूरा कर दिखाया। संगत जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी उनको हमेशा मैसेज देते हैं, पुत्र मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ये आंटी जी का पहला सत्संग है। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम खुशी है और ये मेरा पहला सत्संग है। तो ये जो मेरा पहला सत्संग होने वाला है, ये मेरी जॉब से रिलेटेड है कि कैसे गुरु जी ने मुझे जॉब दिलाई। तो मैं पहले गुड़गांव में जॉब करती थी और वहाँ पे मतलब काफ़ी ना मतलब ग्रुपिज्म होता था, सारे मिलके जैसे होता है ना कि मतलब बुली करना या इनडायरेक्टली बोलना, टोंट मारना, ये सब बहुत होता था। और मैं मतलब ऐसी हूँ, मेरा नेचर ऐसा है कि मतलब मैं चुप ही रहती हूँ, मेरे पास जितनी बात है मैं उतना प्यार से बोल के अपना साइड में रोक के, आप किसी की मैटर मतलब अगर किसी चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उस मैटर में नहीं घुसती, ना मैं उसको सुनती हूँ, मैं अपने काम से काम रखती हूँ। और मेरी ना उस टाइम शादी हुई थी, तो मैं काफ़ी मतलब ना शादी हुई थी 2-3 महीने बाद, मतलब जैसे होते हैं इन लॉज परेशान करने लग गए थे, छोटी छोटी बात पे मुंह बनाना, इनडायरेक्टली टोंट मारना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी चल रही थी। तो मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी इस चीज़ से। तो मैंने सोच लिया था एटलीस्ट मैं उनसे तो जान नहीं छुड़ा सकती, तो एटलीस्ट जॉब ही चेंज कर लूँ। और उस जॉब में ये था कि वो स्टार्टअप था, मतलब हो गए थे उसको 2-3 साल हो गए थे उस स्टार्टअप को, बट वो इतना बड़ा नहीं और वो कभी भी बंद हो सकता था। और मतलब उनका ये था कि वो चाइना से सामान मंगाते थे और मतलब उनका बंद होने वाला था चाइना से सामान आना, तो उनका जब सामान ही नहीं आएगा तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो उस चीज़ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम थी, तो मुझे लगा कि यार घर बैठने से बेटर है कि मैं पहले पहले अपना कहीं और जुगाड़ कर लूँ। तो उसके बाद मैंने काफ़ी जगह इंटरव्यूज़ दिए, कहीं पे लोकेशन बहुत दूर हो जाती थी और कहीं पे मेरी मतलब जो मुझे सैलरी चाहिए वो नहीं मतलब देते थे वो लोग, तो ये सारी प्रॉब्लम थी। उसके बाद मेरा डिफेंस कॉलोनी में एक मतलब इंटरव्यू था, तो जिस दिन मेरा इंटरव्यू था मैं तैयार हो रही और मेरी मम्मी उस टाइम पूजा कर रही थी, तो वहाँ पे तितली आई और मतलब पता नहीं कौन से कलर की थी, बटरफ्लाई मुझे नहीं पता, बट बटरफ्लाई आई और पता नहीं वहाँ पे बैठी मंदिर में या मतलब मंदिर के आसपास उड़ रही थी, इतना एक्सैक्ट मुझे याद नहीं है। तो ऐसा कुछ हुआ और ना मम्मी ने उस टाइम नहीं बताया हमें कि ऐसे बटरफ्लाई आई है और ये सब। तो उसके बाद फिर मुझे ऑफिस से फ़ोन आते हैं गुड़गांव वाले से, क्योंकि मैंने उनको फ़ोन करके नहीं बताया था कि मैं छुट्टी पर, जैसे वो पूछेंगे ना तो मैं बोल दूँगी हाँ मेरी तबीयत ख़राब है, मैं फ़ोन करके नहीं बता पाई क्योंकि मैं सो रही थी, मतलब ऐसा कुछ करने वाली थी मैं, क्योंकि मेरी पहले भी बहुत छुट्टियाँ हो गई थी, इस बार मेरे पास कुछ था ही नहीं कि मैं क्या बोलूँ। तो मैंने उनको कुछ नहीं बताया, लेकिन उनके फ़ोन आए किसी और चीज़ से रिलेटेड, जिसने मुझे भी हैरान करा कि मतलब ऐसा भी होता है। तो उनका फ़ोन आया तो उन्होंने ग्रुप क्यों लेफ्ट कर दिया ऐसे ऐसे करके, तो मैंने कहा मैंने कोई ग्रुप लेफ्ट नहीं करा, मैं क्यों करूँगी ऐसा। तो नहीं तू अगर जॉब छोड़ रही है क्या, मैंने कहा नहीं अभी ऐसा कुछ है ही नहीं, और क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। बट जब ग्रुप से लेफ्ट हुई उस टाइम 2-3 मतलब 1-2 बंदे ना छोड़ के चले गए थे, तो ओनर को भी डर था कि छोड़ छोड़ के जाएंगे, जो थोड़ा बहुत काम चल रहा है वो भी नहीं चलेगा।
तो उनको डर पड़ गया कि ग्रुप कैसे लेफ्ट हो। बट मैंने खुद फोन देखा तो मुझे खुद ही नहीं पता चला कि ग्रुप से लेफ्ट कैसे हो गई, ना मुझे किसी ने करा, क्योंकि सब मुझसे पूछ रहे हैं वहाँ पे जितने भी थे। बल्कि ओनर तक का फोन आया मुझे कि हाँ मतलब ग्रुप क्यों लेफ्ट कर दिया आपने, खुशी ये वो। मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने मतलब मैंने तो छेड़ा ही नहीं ग्रुप, तो मैं लेफ्ट कैसे हुई। और वहाँ पे जैसे लिखा हुआ आता है कि हाँ कि इस बंदे ने आपको लेफ्ट कर दिया ग्रुप से, या आप खुद लेफ्ट हो गए इस ग्रुप से, ऐसा कुछ लिखा भी नहीं आया। तो मुझे समझ ही नहीं आया, अब भगवान जाने वो गुरुजी ही जानते हैं कि हाँ उन्होंने निकाला है कि हाँ तू आज ग्रुप लेफ्ट कर दे, क्योंकि जहाँ मतलब तू इंटरव्यू देने जा रही थी वहीं सिलेक्ट होगी, ऐसा कुछ है। तो मैं इंटरव्यू देख के आई, इंटरव्यू अच्छा गया मेरा डिफेंस कॉलोनी में। और उसके बाद मैंने मैंने वेट करा, मैंने 2 दिन वेट करा, मुझे रिवर्ट ही नहीं आया। उन्होंने कहा हम आपको 2-3 दिन में बता देंगे, तो रिवर्ट नहीं आया। उसके बाद मैंने उनको खुद कॉल करी कि मतलब आपने रिवर्ट नहीं करा, एटलीस्ट आप मुझे बता दो कि मेरा क्या रिजल्ट रहा है। तो उन्होंने बोला कि हम बिजी बहुत रहते हैं और क्या नाम है, हम आज बैठेंगे लंच में तो हम डिसाइड करके आपको बता देंगे। तो उस दिन भी आया, फिर 2-3 दिन बाद उनका और मतलब उन्होंने 1 वीक ले लिया अच्छे से, और उसके बाद आता उनका रिप्लाई कि आप सिलेक्टेड हो, आप आ जाइए। तो उसके बाद फिर क्या नाम है, मैंने अपने ऑफिस में बता दिया कि भाई मैं छोड़ के जा रही हूँ, मैंने ज्वाइन कर लिया डिफेंस कॉलोनी। डिफेंस कॉलोनी ज्वाइन करने के बाद वो भी इतनी कोई अच्छी जॉब, मतलब ठीक है मैंने उस पोजीशन के से मैं रिलेट नहीं करती थी, क्योंकि मैं पूरा ई कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेट करती थी, क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब उसी से रिलेटेड थी, और मैंने वहीं सब कुछ ई कॉमर्स के बारे में सीखा सब कुछ, कि सोशल मीडिया से रिलेटेड सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ मैंने वहाँ सीखी। तो उसके बाद फिर अब रिसेप्शनिस्ट मैंने इसलिए ज्वाइन करा कि अलग अलग फील्ड का, मतलब मैंने बैकअप ही करा है, मुझे फ्रंट बेस पे भी मतलब लोगों से कनेक्ट कैसे करना है वो सारी चीज़ें भी थोड़ी हैंडल करनी आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई करा था। रिसेप्शन का काम अच्छे से संभाल रही थी, उसमें मेरी कहीं भी गलती नहीं होती थी, बट रिसेप्शन के अलावा जो चीज़ मेरे काम की है नहीं वो मेरे को और एक्स्ट्रा काम देते थे, हद से ज़्यादा काम। और दूसरा वहाँ पे छुट्टियाँ नहीं होती थी, आप छुट्टी नहीं ले सकते क्योंकि उनका सीज़न आ रहा था, क्योंकि वो डिज़ाइनर थे, तो ये दिक्कत थी। और इन लॉज आपको इतना भी बाहर नहीं रहने देंगे, तो अब समझ नहीं आ रहा था क्या करें। उन्होंने पहले बोल दिया आगे कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, ये वो ऐसा वैसा, तो अब दिमाग ख़राब हो रहा क्या करूँ कहाँ जाऊँ। तो मेरे हस्बैंड ने मतलब वो 1 महीना शायद ऐसा था कि गुरुजी बोल रहे थे कि वहाँ से निकल के तू 1 महीना बस यहाँ आ रहा है, उसके बाद मैं तेरा पक्का जुगाड़ करता हूँ, ऐसा कुछ कि तू वहाँ ज़्यादा परेशान है, एटलीस्ट यहाँ कम होगी। और वहाँ सही में लोग ऐसे नहीं थे कि आपको परेशान करें, हाँ थोड़े कन्फ्यूजिंग पीपल थे, आप उनको समझ नहीं सकते वो क्या थे, क्योंकि काम ही उनके सर पे इतना था ना कि वो कन्फ्यूज ही रहते थे हमेशा। तो इसलिए मतलब थोड़ी थी वहाँ पे, बट लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, बस वो काम इतना जो मेरे मैं कर भी नहीं सकती थी वो काम भी देते थे, मेरे से होते ही नहीं था, तो कभी कभी डांट भी सुन लेती थी, बट ये था और कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ पे। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने अपने ऑफिस में किसी मैम से बात करी, और वो भी गुरुजी की संगत मतलब, और वो भी मुझे बाद में पता चला जब मैं जॉब में ज्वाइन हो गई उसके बाद, तो वो गुरुजी की संगत ही थी, उनसे ही उन्होंने बात करी कि मतलब ऐसे ऐसे ना मेरी वाइफ इस बैकग्राउंड से रिलेट करती है, मतलब ऐसा ऐसा काम करती है। और उन्होंने अपनी फ्रेंड से बात करी जिनको इंस्टाग्राम में हैंडल करने के लिए कोई चाहिए होगा, और मतलब जैसे कभी वो ऑफिस में नहीं है, वेकेशंस पे गए हैं, तो पीछे से उनकी जगह पे कोई हो जो क्लाइंट्स वगैरह को हैंडल कर ले, कॉल्स वगैरह उठा ले, मतलब क्लाइंट्स वगैरह की, तो ये सारा काम मैनेज करने के लिए उन्हें कोई चाहिए था जो ऑफिस आए। पहले वो वर्क फ्रॉम होम देते थे लोगों को इंस्टाग्राम हैंडल करने के लिए, बट अब उन्हें ये चाहिए था कि कोई ऑफिस आए। तो उन्होंने उनको बताया, उन्होंने कहा ठीक है उस लड़की का मुझे नंबर दे दो, और या उसको मेरा नंबर दे दो, मैं बात कर दूंगी उससे। तो फिर एक दिन मैंने मतलब मैं डिफेंस कॉलोनी से ही मैंने लंच में बात करी उनको, मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे मुझे आपका नंबर यहाँ से मिला है और आपसे बात करने के लिए बोला था, कह रही हाँ। और उन्होंने मतलब उनका बात करने का वे ऐसा था, उन्होंने बोला आप ठीक है आपको जब से ज्वाइन करना हो आप मुझे बता दो, और एक बार बस ऑफिस में मुझसे आके मिल लो, मतलब ऐसे कि जैसे कोई इंटरव्यू नहीं है, बस आप मिल के अगले दिन से ज्वाइन करो, ऐसा कुछ था। तो उसके बाद मैं मिलने गई, उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक पूरी फैक्ट्री दिखाई, यहाँ ये काम होता है, यहाँ मतलब उनका कांच ग्लास का काम था, उनकी पूरी इंडस्ट्री ग्लास की थी, तो उसमें उन्होंने ये सब दिखाया। लेकिन मैं मेन जो चीज़ थी ना शोरूम, मैं उसमें नहीं जा पाई थी क्योंकि उन्होंने दिखाया नहीं, उन्होंने बाहर से बोला कि ये शोरूम है, यहाँ क्लाइंट्स को दिखाते हैं बाहर से। तो अंदर क्या था उस चीज़ ने जो मुझे मतलब हैरान करा ना, तो मैंने जिस दिन ज्वाइन करा
और मैं शोरूम में गई, मतलब किसी काम की वजह से ही गई थी शोरूम के अंदर। तो मैं शोरूम में गई और वहां उन्होंने कांच से ही ना गुरु जी का स्वरूप और शिव जी का स्वरूप बनाया, और किसी भगवान का नहीं, सिर्फ शिव जी और गुरु जी। और मैं हैरान की यार यहाँ पे गुरु जी, और मैं ना मतलब वो संगत, मतलब जो ये है ये लोग मानते नहीं है गुरु जी को, बट इन्होंने बनाया। ये कहते हैं कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं ऐसे जो गुरु जी को मानते हैं और बहुत मानते हैं, उन लोगों ने ही हमें बोला था कि गुरु जी का आप स्वरूप बना सकते हो। तो ये था, तो मतलब फिर मैंने देखा और मैंने फटाफट मम्मी को फोन करा, मैंने कहा मम्मी यहाँ पे ना गुरु जी का स्वरूप है। मैंने फोटो भी खींच के ले आई कि मतलब मैं भेजू मम्मी को कि देखो अलग अलग कलर्स में, रेड येलो ब्लू, मतलब हर कलर में उन्होंने स्वरूप बना रखे, और मतलब ग्लास का था और थोड़ा कलर था, कलर दे रखा था उन लोगों ने, मतलब अब वही जाने कैसे बनाया, बट बहुत प्यारा बहुत सुंदर। तो मतलब फिर मैं समझ गई, मैंने कहा यार ये गुरु जी ने, और मतलब यहाँ पे कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि हर टाइम चिक 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 आपको काम दे रखा है, आप अपना काम करो, कोई प्रॉब्लम है जाके पूछ लो, और मतलब ऐसी कोई आप अपना रूम में अकेले करते रहो काम, उन्हें दिख रहा है आप काम कर रहे हो, क्योंकि इंस्टाग्राम का तो सब सब देख ही रहे हैं अपने फोन में कि हाँ इंस्टाग्राम पे मैसेज हो रहा है। तो बस हाँ ये सब था, बाकी वीडियोज के आइडियाज देना ये सारा चीज नॉर्मल चीज है, तो मतलब इतनी कोई चिक चिक वाली बात नहीं है। एटलीस्ट मैं ऑफिस के टेंशनों से दूर हूँ, और सिर्फ घर की टेंशन है जो मुझे परेशान कर रही है, पर बहुत जल्दी गुरु जी उसे भी सॉल्व करा देंगे, और फिर मैं वो भी सत्संग फिर शेयर करूंगी। और मतलब काफी गुरु जी काफी साथ देते हैं, मैसेज दे देते हैं अगले दिन जो मैं सोच रही होती हूँ, कभी रोती हूँ तो बोलते हैं रोया मत कर मुझे बुरा लगता है, या कभी सोचती ज्यादा हूँ, बहुत सोचती हूँ, मैं सोच में ही रहती हूँ कि हाँ मतलब ऐसा कुछ करूँ या मेरे साथ ये क्यों हो गया, अगर छोटी सी चीज भी होती है उसको बहुत सोचती हूँ, तो मतलब गुरु जी बोलते हैं इतना सोचा मत कर मैं हूँ तेरे साथ, मतलब ये बोल देना ही काफी होता है। मतलब जब उनका मैसेज आता है ना रोज सुबह, तो एक वो होता है कि यार है कोई साथ, मतलब ऐसा। बट सही है, मतलब गुरु जी काफी हेल्प कर रहे हैं, और बस मैं ये चाहती हूँ कि वो आगे भी साथ रहे संगत जी। तो मेरा सत्संग यही था, और मैं नेक्स्ट सत्संग भी बहुत जल्दी लेके आऊंगी कि कैसे मतलब मेरी दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व करी गुरु जी ने, वो अभी भी मतलब मेरी प्रॉब्लम काफी सॉल्व कर रहे हैं। और बस शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि गुरु जी आपको मैसेजेस देते हैं और आप कैसे समझती हैं। आपने ये भी बताया कि गुरु जी ने आपको एक अच्छी जॉब कैसे दिलवाई, और सबसे बड़ी बात ये है कि गुरु जी ने आपको गुरु संगत के यहीं पर आपको जॉब दिलवाई ताकि आप आराम से अच्छे से जॉब कर सकें। गुरु जी ने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि बेटा मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू टेंशन ना ले। संगत जी, ऐसे ही गुरु जी सबकी प्रॉब्लम्स को दूर कर देते हैं, धीरे धीरे सब ठीक कर देते हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।